अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार, आपका स्वागत है यूपी लाइव 100 न्यूज पर। मैं पूनम मंडल आपका स्वागत करती हूँ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सड़क हादसों में 3 की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बांदा शहर कोतवाली के गांव के एक तेज रफ्तार आ रहे थे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को 3 युवकों पीछे से टक्कर मार दी और रोनता हुआ काफी दूर तक निकल गया। इसके बाद अनिति होकर एक घर में घुस गई। गलीमत ये रही, घर के बाहर पेड़ में लगा हुआ था जिससे पर वहां जाकर रुक गई, वरना कुछ और हो जाना सकती थी। सड़क के हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पुरुष और एक महिला इलाज के समय मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीण आक्रोश था, जिसके बाद ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और पिटाई किया। ट्रक का आग के हवाले करने के लग रहे थे, लेकिन समय रहते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के शांत करा, जबकि गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक लोगों ने जान लेती रहती है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में अधिक आक्रोश था। लोगों ने मांग किया कि रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनवा जाए जिससे सभी सुरक्षित रहे। बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। उन्होंने जानवर की अपनी जनवीन दुकान में जैसे बैरियर होने की ब्रेकर हो जाए, और क्योंकि हाल में इतना ज़्यादा है जिसको लेके एक अंडरवे पुल की मांग हो रखी थी, उसमें अगर बन जाए तो ये समस्या समाधान हो जाए। और हमने भी देखा है कि ये जो रोड से नीचे ढाल है कभी 45 डिग्री ये है, कोई भी भविष्य में भी अगर मान लीजिए कोई वाहन अगर अपने बैलेंस खो जाते तो बहुत नीचे जाते, जहाँ ब्रेक भी काम नहीं करेगा। इन लोग लेके ये थोड़ी आक्रोश थी, तो लोगों से बातचीत की, लोग मान भी गए हैं। अभी यातायात खुलवा दिया गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रात में कार्रवाई कर रहे हैं आधे की बजाय। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, सब उसको रखा गया है, तो उसको भी लेके गांव वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। सफाई कर्मी को समय से नहीं मिल रही वेतन। बांदा नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा कि हम लोगों की समस्या से वेतन नहीं दिया जाता और न ही वेतन कभी कर्मचारियों के सहकारी समिति से लोन दिया जाता है। समय से वेतन न मिलने से हम कर्ज लेकर घर चलाते हैं, ऐसे में हमारे ऊपर कर्ज अधिक हो जाता है जिससे अदा करने में मुश्किल हो जाता है। घर के माली स्थिति खराब हो रही है, जबकि स्थिति कर्मचारियों के कर्मचारी समेत बनी है, जिससे समस्त कर्मचारियों के समिति सदस्य समिति द्वारा लिए गए लोन का भुगतान पूर्ण होने के उपरांत समिति अध्यक्ष द्वारा लोन नहीं दिया जा रहा है। किसी कर्मी को शादी करनी है या किसी को घर बनाना है और अगर हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो बैंक में जाकर सिक्योरिटी राशि वापस कर दिया जाए, तथा संविदा सफाई कर्मचारियों को PPF का लिखा जोखा हर 3 या 6 माह में दिया जाए। बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। जो कि नगर पालिका कर्मचारी सारे घृणित कार्य करके अपने को गंदा रख के शहर की सफाई करता है और सारे लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ में अपेक्षित व्यवहार किया जाता है जिससे कि लोगों की साफ सफाई करके वो अपना पेट नहीं भर पाता है, क्योंकि प्रशासन के माध्यम से हमें वेतन समय से नहीं मिल पाता है। जो कि आज 17 तारीख है, जो कि 1 से 5 तक वेतन का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। सारे विभागों का वेतन का भुगतान हो चुका है, लेकिन अभी तक इन वेतनों का भुगतान नहीं किया गया है। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।